लास्ट लेक्चर में हमने कस्टमर की रिलेशनशिप के जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो बिजनेस एक्टिविटी कस्टमर करता है उसकी बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने उसको कुछ नोमेनक्लेचर किए थे, अलग-अलग नाम हमने उसको दिए थे उस कस्टमर को, और उसको याद करने का एक तरीका भी बताया था। अब सब ठीक होगा, अभी आवाज़ वगैरह मैंने ऑन करी है यहाँ से, अब सब ठीक होगा। ठीक है, चलिए। अब इस लेक्चर में एक वर्ड आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो एंटी वर्ड है, ये एंटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मनी लॉन्ड्रिंग का एंटी है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है, ये एंटी है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट नहीं करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या इसकी मेन बातें अगर आती हैं, हम इसमें कहतेंगे कि भाई कोई भी इलीगल मीन से कोई छुपाता है, कंसील करता है, ठीक है, अब ड्रग की ट्रैफिकिंग करता है, गन स्मगलिंग करता है, करप्शन वगैरह करता है, तो इन एक्टिविटीज से जो फंड जनरेट होते हैं उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड है और उन एक्टिविटीज से अगर मनी का, फंड्स का जनरेशन हो रहा है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इस चीज को मना करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन विच यूजुअली टेक्स प्लेस इन द सेवरल स्टेजेस कंसिस्ट इन मेकिंग द कैपिटल एंड एसेट्स आर इलीगली गेन्ड सीम एज दो दे आर डेराइव फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्सेस एंड इंसर्टिंग देम इन टू इकोनॉमिक सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। वो कहता है सीम्स एज दो दे आर डेराइव फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेस, यानी ऐसा लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है और उसको इकोनॉमी में इंसर्ट कर देना फॉर द पर्पज ऑफ सर्कुलेशन, यानी आप ऐसे कह दीजिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट इज एज ओल्ड एज द क्राइम इटसेल्फ, यानी जब से क्राइम की शुरुआत हुई है तभी से मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी शुरू हुआ है। क्रिमिनल्स हैव ऑलवेज एंडेवर्ड टू कंसील द ओरिजिन ऑफ इलीगली जनरेटेड फंड्स इन ऑर्डर टू इरेज ऑल ट्रेस ऑफ देयर वर्ल्ड डूइंग, नेवरलेस द फॉर्म एंड द डायमेंशन ऑफ दिस टाइप क्राइम हैव इवॉल्व रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे मतलब कई तरीकों से ये होने लगा और कई बहुत मतलब विस्तृत रूप से इसका काम बहुत बढ़ गया है, और द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन टर्म। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग को ऑफेंस जो है ट्रीट किया गया है सेक्शन 3 ऑफ PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंसर और प्रिवेंशन जो है एक तरह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ठीक है, तो क्या है उसमें एक टर्म किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज ए पार्टी और इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे कोई भी बंदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली असिस्ट कर रहा है किसी ऐसी पार्टी को जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व है, तो उसको जो है एक क्राइम की तरह वो किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नॉन अधेरेंस का मतलब इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये एक अपराध होगा। दीज ऑफेंस आर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध माने गए हैं। पनिशमेंट वुड बी रिग्रस इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट अप टू 7 ईयर एंड फाइन एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज बीन मेड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू ट्रैक केसेस ऑफ द। तो इसमें अब देखो एक आया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्ट जस्ट लाइक एज ए पुलिस या एक फंक्शनल बॉडी की तरह काम करता है, फंक्शनल बॉडी की तरह। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से आ गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्ट किस
और एक्ट के लिए एज ए फंक्शनल बॉडी काम करता है। और इसको मैं थोड़ा और बता दूं आपको, बहुत सारे एक्ट ऐसे बने हैं जिसमें उनका कोई भी ऑफिस नहीं है। अगर मैं बात करूं सेबी एक्ट की, सेबी का ऑफिस है। अगर मैं बात करूं आईआरडीएआई एक्ट की, आईआरडीए का ऑफिस है। लेकिन अगर मैं बात करूं पीएमएलए एक्ट की, तो उसका कोई ऑफिस नहीं है। यानी वो अपनी सर्विसेज किन्हीं के थ्रू करवाती है। तो आपको आंसर करना है कि ये, तो इसमें जो है माही ने आंसर दिया फॉरेक्स के लिए, माही ने एक आंसर दिया है फॉरेक्स के लिए। तो मैंने बेसिकली पूछा है एक्ट का नाम, तो थोड़ा बहुत सही हो सकता है आपका आंसर, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो एक्ट का नाम चाहिए जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्ट भी एक पुलिस की तरह काम करती है। इस बीच में मैं सभी को गुड इवनिंग कह देता हूं, जितने नाम मैं ले सकता हूं, सोनू, गट्टू, प्राची, निहाल, लिप्सा, संजय, माधुरी, माधुरी हृदय, ये आज मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं क्लास में देख रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज बोल दिए, हरि कृष्ण, पवन, अजय, 0007, अखिलेश, प्राची, नवीन, मंगल, रमेश, रितेश, काजल, हर्षिता, राकेश, तन्या, रवि, द्वारका दास, पिंकू, गौरी, माही, मुकेश, नवीन, संदीप, हाँ तो 3-4 लोग इसमें नए दिख रहे हैं हमको। हाँ तो माही ने बिल्कुल आंसर दे दिया है, और लोग कोई सुन नहीं रहे क्या मेरी बात, बिल्कुल सही है, फॉरेक्स उन्होंने हिंट दिया था। एक्ट की नाम मैं बात करूं तो फेमा है, तो फेमा, अच्छा माधुरी जी ने पहले भी अटेंड किया, मुझे ध्यान नहीं होगा कभी, सॉरी। और ये ILU पुटेल, इन्होंने ये शायद फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल से। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें अपना कोई भी दफ्तर या ऑफिस नहीं होता है, तो उनको किन्हीं ऑफिसेस की क्या करनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही पीएमएलए का अपना कोई दफ्तर नहीं होता, वो या पुलिस को या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को या सीबीआई को अपने साथ लेकर के काम करता है। और ये जो फेमा है, तो फेमा जो एक्ट है, फेमा का एक्ट 2000 का है या कोई और है? फेमा का एक्ट कौन से ईयर का जरा बताइए हर्षिता, 2000 का है या कोई और है फेमा? ठीक हो गया, चलो आगे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ही पक्का हो गया, यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रखा हुआ है कि कौन कौन से, माही ने करेक्ट कर दिया आंसर, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, सबसे पहले होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में कि मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस का सीक्वेंस लगा सकता है, या इनमें से एक साथ में और दे सकता है, प्रोसेस भी दे सकता है। ठीक है, प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, इट रेफर द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। यानी जो आप एक्टिविटी वाली स्मगलिंग कर रहे हैं, मान लिया तो क्रिमिनल एक्टिविटी की प्रोसीड्स को फिजिकल डिस्पोज करना, यानी उससे पैसा ले लेना। लेयरिंग, लेयरिंग रेफर्स द सेपरेशन ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स फ्रॉम देयर सोर्सेस बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेयरिंग कंसील्स द ऑडिट ट्रेल एंड प्रोवाइड्स एनोनिमिटी। यानी ये क्या करते हैं, अब मान लिया 2 करोड़ की डील हुई, तो 2 करोड़ को लेयर करेंगे, लेयर का मतलब उसे तोड़ देंगे। 2 करोड़ में से 2 लाख का वो फ्लैट ले लेंगे, 2 लाख जो है अपने मजदूरों को कैश सैलरी दे देंगे, 2 लाख जो है कहीं मार्केट करने जाएंगे, वहां से कैश परचेजिंग कर लेंगे, 2 लाख अपने किसी जानने वाले के नाम में डिपॉजिट कर देंगे। ये लेयरिंग होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, द थर्ड फेज ऑफ इन इंटीग्रेशन विच मीन्स प्लेसिंग लॉन्डर्ड प्रोसीड इन टू लेजिटिमेट इकोनॉमी एज नॉर्मल फंड। अब वो सारे पैसे क्या होंगे, इकट्ठे करके एक ट्रांसफर इधर से उधर उधर करके फिर वो इकोनॉमी में बूस्ट कर, यानी अगर अकाउंट में आ गए तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर देता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है।
कोई बात नहीं, जो लेट आ गया कोई बात नहीं, आ गए अच्छी बात है। तो अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए के, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए हवा हवा में कुछ मत पढ़िए, जब आपका वहां क्वेश्चन आता तो आप कहते हैं कहाँ लिखा था, हमने पढ़ा तो था लेकिन कहाँ लिखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट फ्रॉम यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। अब क्या कि भैया जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनको बैंकिंग सिस्टम में नहीं लाना, क्योंकि अभी हम क्या है ये जो पढ़ रहे हैं पीएमएलए को बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। टू इनेबल द बैंक टू नो अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स बेटर, दिस इज इन टर्न वुड हेल्प द बैंक टू मैनेज द रिस्क प्रूडेंटली। और बैंक अपने कस्टमरों को सबको जानता है और बहुत एक्सपर्ट रूप से वो अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू पुट इन प्लेस अप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज इन अकॉर्डनेस विद एप्लीकेबल लॉ लेड डाउन प्रोसीजर। ठीक हो गया, यानी वो कहता है कि पूरा एक सिस्टम में लाना, पूरा कंट्रोल करना, कुछ ऐसी चीजों को डिटेक्ट करना, सस्पिशियस चीजों की रिपोर्टिंग भी करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। कहाँ, जो भी लॉ या कानून के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो आपको वो रिपोर्ट करना है, डिटेक्ट एंड फॉर डिटेक्ट एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जो भी अपनी कानूनी रूप से लॉ है और कानून है और उनकी रेगुलेटरी गाइडलाइन को कंप्लाई करना, फॉलो करना, मानना उनको। ठीक है, फिर उसके बाद टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट द कंसर्न स्टाफ आर एडिक्वेटली ट्रेन इन नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, नो योर क्लाइंट की जगह नो योर कस्टमर है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, ये गलत तो मिसप्रिंट तो नहीं है, नो योर कस्टमर होता है वैसे ना, और इसको देख लेना कहीं क्लाइंट भी आता है या नहीं आता, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर, तो क्या करना है आपको कि आपको अपने स्टाफ को बढ़िया करके ट्रेंड करना है, जो इस एक्ट का मतलब है, इस बढ़िया करके ट्रेंड ट्रेंड करना है और ऐसे सारे स्टेप लेने से आपका स्टाफ ट्रेंड हो जाए। ठीक है, अब बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है एक तरह से एक अपनी सोच रखना, उसमें क्या रिस्क है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी एक्सपोज द बैंक टू वेरियस रिस्क सच एज ऑपरेशन रिस्क। अब देखो ऑपरेशन रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड लीगल रिस्क, तो ये इतने रिस्क इसमें परसीव होते हैं। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट बैंक्स आर नॉट यूज्ड बाई मनी लॉन्डर्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड द केवाईसी गाइडलाइन। ठीक है, तो पीएमएलए के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए केवाईसी गाइडलाइन निकाली है। ठीक है, अब नो योर कस्टमर की बात आती है। देखिए ये जो क्लास है ये एएफबी का जो आपका डी मॉड्यूल है उसके लिए भी समवट कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं जो वहां आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अ कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी इज डिफाइंड एज, अ कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ द पॉलिसी इज डिफाइंड एज। क्या बोलता है देखो, अ पर्सन और एन एंटिटी यानी कंपनी भी हो सकती है दैट मेंटेन एन अकाउंट और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। तो कस्टमर कौन है इस मामले में, इस पॉलिसी के मामले में कस्टमर कौन है, ऐसा कोई आदमी एंटिटी जिससे आप बिजनेस रिलेशनशिप रखते हैं बैंक। वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेन, जिसके बिहाफ पे अकाउंट खोला जा रहा वो। ठीक है, थर्ड है बेनिफिशरी ऑफ ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर। अब देखो इसमें यहां बोलना बेनिफिशरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल, तो कई बार क्या होता है जो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज,
जो कि स्टॉक ब्रोकर, चार्टेड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर्स एज परमिटेड अंडर द लॉ, एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये भी एक कस्टमर है। तो तीनों लोगों को कस्टमर की डेफिनेशन, हालांकि जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने कस्टमर के यही पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, इसमें भी यही पॉइंट है। चलिए आगे क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी कस्टमर पॉलिसी क्या है, की एलिमेंट्स क्या क्या है। द की एलिमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी आर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये वन क्वेश्चन फिर अगेन आ गया आपका, CIP। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो की एलिमेंट कितने हो गए, वन है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, थर्ड है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये एलिमेंट्स हैं आपके, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम जरा। ईच एंड एवरी पॉइंट, ये जो फोर पॉइंट है इसके बारे में, तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की अगर बात होती है, चलो हो सकता है कि इधर मेरे नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं तीन डिफरेंट नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, डिस्प्ले के लिए अलग है और चैट के लिए अलग है और लाइव अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इन फोर पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो बैंक को क्या करना है, देखो क्लासिफाई कस्टमर्स इनटू वेरियस रिस्क कैटेगरीज एंड बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, कि उनसे क्या रिस्क हो सकता है उनके अकॉर्डिंग वो करना है, ठीक है। डिसाइड ऑन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ईच कैटेगरी ऑफ, तो किस 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 कंडीशन में आप कस्टमर को एक्सेप्टेंस कर सकते हैं उसका क्राइटेरिया डिफाइन करना। थर्ड क्या है, एक्सेप्ट कस्टमर आफ्टर वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी एज लेड डाउन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का मतलब है, मान लिया आपने आधार कार्ड ले लिया, आप उसका वोटर कार्ड ले लिया, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं उसके अनुसार उसको कस्टमर को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। नॉट ओपन अकाउंट्स इन द नेम ऑफ एनोनिमस फिक्सीशियस बेनामी पर्सन, कि कोई भी अकाउंट बेनामी टाइप का या फिक्सीशियस माने बिल्कुल मतलब झूठा मोटा अकाउंट, एनोनिमस माने अननोन आदमी, मतलब जो पता ही नहीं लग रहा कौन है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अकाउंट को ओपन नहीं करना। स्ट्राइव नॉट टू इनकन्वीनियंस द जनरल पब्लिक हुज डिजायर टू ट्रांजेक्ट। अब देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यूं हो गया कि जब भी खासकर से नेशनलाइज बैंक में जब बैंक में कोई कस्टमर अकाउंट खोलने आता है तो कहता साहब 4 दिन लग गए, तो यहां पे वो कह रहा है ये भी इनकन्वीनियंस के रूप में नहीं इसको वो करना है। जो बैंकिंग बिजनेस ट्रांजेक्ट करना आता है तो उसको इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसर। तो जो हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है उसी में ये शामिल है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। तो क्या है देख लेते हैं इसमें, चलिए मैं थोड़ा सा नेटवर्क को चेक कर रहा हूं। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है तो पार्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का। तो क्या प्रोसीजर है उसमें देखना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर एंड वेरीफाई हिज और हर आइडेंटिटी बाय यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट डाटा और इंफॉर्मेशन। इन बातों को ध्यान में रख के आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। इम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन वेरीफाइंग कस्टमर आइडेंटिटी नॉट ओनली वाइल एस्टेब्लिशिंग ए बैंकिंग रिलेशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांजेक्शन
और व्हेन द बैंक हैज डाउट टू ऑथेंटिसिटी वेरेसिटी और एडिक्वेसी ऑफ द प्रीवियसली ओपनड। कहने का मतलब है कि केवल अकाउंट खोलते समय नहीं बल्कि जब वो आपका कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है तब भी, और या आपको कोई उस पर डाउट होता है तो भी, या जो उसका पुराना जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है उसमें आपको कोई डाउट होता है, उसमें कोई कमी है, तो उसको भी आप रीचेक करके करेंगे। ठीक है। वेयर आर एप्लीकेबल, इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर और बिजनेस एक्टिविटी, लोकेशन, मोड ऑफ पेमेंट्स, वॉल्यूम और टर्नओवर, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस विल बी कलेक्टेड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। तो कहता है जब जब जरूरत हो उसके नेचर और बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, किस तरह का पेमेंट है, कितना टर्नओवर है, उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस किसका है, उन सब के आधार पर भी आप क्या करेंगे, उसके प्रोफाइल का वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। कस्टमर विल बी क्लासिफाइड इनटू थ्री रिस्क कैटेगरी। अब देखो यहां पर एक बात आ गई है कि कस्टमर की जो कैटेगरी है इसमें तीन कैटेगरी हैं, हाई, मीडियम और लो रिस्क। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन कि कितना हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, और परसेप्शन जो है हर एक आदमी का अलग हो सकता है। हाँ ठीक है, कोई कोई मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। ठीक है, इंडिविजुअल अदर देन हाई नेटवर्क इंडिविजुअल एंड एंटिटीज हुज आइडेंटिटीज एंड सोर्सेज ऑफ वेल्थ कैन बी इजली आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन हुज अकाउंट बाई एंड लार्ज कन्फर्म टू द नोन प्रोफाइल मे बी कैटेगराइज लोज। यानी किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, किनके अदर देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ऐसे इंडिविजुअल जो हाई नेटवर्थ नहीं है, लो हैं, जैसे आप स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बेसिक अकाउंट खोलते हैं, तो इन लोगों की बात हो रही है, तो उसमें अगर आपको लगता है तो उसको आप लो रिस्क में करेंगे। कस्टमर दैट इज लाइकली टू पोज अ हायर देन एवरेज रिस्क टू द बैंक शुड बी कैटेगराइज एज मीडियम और हाई। आप एक तो लो रिस्क कैटेगरी कर दी, उसके अलावा अगर आपको कहीं पर रिस्क ज्यादा लग रहा, अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा तो आप उसे मीडियम, और बहुत ज्यादा लग रहा तो उसको आप हाई रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स शुड बी कैरीड आउट एट पीरियडिकली ऑफ नॉट लेस देन वंस इन सिक्स मंथ। एक पॉइंट आ गया कि आप जो केस का कैटेगराइज है 6 महीने में एक बार करेंगे। फुल KYC एक्सरसाइज विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन एट लीस्ट एवरी 2 ईयर, हर 2 सालों में। किनके लिए, हाई रिस्क के लिए, और एटलीस्ट 10 ईयर फॉर लो रिस्क एंड एवरी 8 ईयर फॉर मीडियम रिस्क। क्या इस पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है? देखो इसमें है हाई रिस्क के लिए 2 है और मीडियम वाले के लिए 8 है। और लो के लिए 10 है। क्या पॉलिसी यही चल रही है? क्या अभी क्लास बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है? जरा इस पे कमेंट करिए जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पिंकू जी आपने यस लिखा, इसका मतलब हुआ है या नहीं हुआ है? माही ने तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है नो चेंज, नो चेंज। यस सर जो आंसर है, ये जो यस सर आंसर है ऐसा लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूं कोई चेंज हुआ है तो आप लोग बोल रहे हैं यस सर। ठीक है, ये आपके आने वाले जो 6 तारीख को पेपर है या जो आपका 12 को पेपर है उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलो गुड। द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेसेसरी दैट कस्टमर डू नॉट हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज विद द बैंक अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम अक्रॉस द फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि जब कई सारी उसकी आईडीज होती हैं तो क्या था, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेसेसिटी द कस्टमर डू नॉट हैव मल्टीपल आइडेंटिटी विद द बैंक अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम एंड अक्रॉस द फाइनेंशियल सिस्टम टू अचीव द दिस ऑब्जेक्टिव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड
फॉर ईच कस्टमर हैज टू बी अलॉटेड। अब वो कह रहा है कि भैया ये सारे जो कागज हैं उसके बहुत सारे, तो उनकी जगह एक यूनिक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड विल हेल्प टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स, ट्रैक द फैसिलिटीज अवेल्ड, मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए होलिस्टिक मैनर एंड इनेबल बैंक टू हैव बेटर अप्रोच टू रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर। बैंक हैव बीन एडवाइज टू इनिशिएट स्टेप फॉर एलोकेटिंग ऑल देयर कस्टमर्स वाइल एंटरिंग इन टू द न्यू रिलेशन। अब वो कह रहा है कि जब भी कोई नया कस्टमर्स आपके पास आए, जब भी कोई नया कस्टमर आपके पास आए, तो उन कस्टमर्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनको बेस मानते हुए उनको यूसीआईसी का एक आप यूनिक आइडेंटिटी उसको आप दे दें। आप देखो इसमें कुछ अमाउंट्स आ गए हैं कि किस किस अमाउंट्स में क्या क्या आपको करना है। नॉन अकाउंट होल्डर हु वॉक्स द अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ और इक्वल टू, और ध्यान रखना यहाँ पे यह है इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी ऐसे और ऐसे, ये 50,000 के बराबर या उससे ज्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन करता है, इस सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इंटेंशनली स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है कई बार कि बिलो है लेकिन थ्रीशोल्ड कितना, यानी कि 20,000 का एक ट्रांजेक्शन करा, आधे घंटे बाद 20,000 का करा, फिर आधे घंटे बाद 20,000 का करा, तो कुल मिला के कितना हो गया 60, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है 20-20 ही कर रहा है। तो ऐसे को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बैंक का बीच में थोड़ा सा बफरिंग का इशू शायद आ गया था इसमें, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे पीएमएलए 2005 क्यों लिखा हुआ, अभी तो हम 2002 पढ़ रहे थे, ये क्या गलत है, मिसप्रिंट है? आप लोग आंसर दीजिए। मैं एक गारंटी आपको दे रहा हूँ, जितने लोग ये मेरी क्लास रेगुलर ले कर रहे हैं, JIB ना होगा तो मुझे फोन जरूर करिएगा। अगर आप सेल्फ रीडिंग वाले बंदे हैं तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं, अगर सेल्फ रीडिंग नहीं कर सकते तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको JIB का इंक्रीमेंट इस बार लगाना है तो। राकेश जी आपका आंसर गलत है, अमेंडमेंट हुआ था इसमें। बिल्कुल, माई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये एक्ट जो पास हुआ था 2002 में हुआ था और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 2005 से हुआ था, और मजे की बात है ये मैंने एक PCS का एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें 2002 तो सबको पढ़ता, उसमें 2002, 2003, 2004, 2005 चार ऑप्शन थे, ठीक है। चंद्रेश जी मतलब अगर आप सेल्फ रीडिंग वाले हैं तो आप बिल्कुल खुद पढ़ के पास हो सकते हैं, अगर आप सेल्फ रीडिंग वाले नहीं हैं तो मेरी क्लास आप जरूर ले लीजिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गई हमें बात। बैंक शुड ऑब्टेन सफिशियंट आइडेंटिफिकेशन डेटा टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई द कस्टमर हिज और हर एड्रेस लोकेशन। तो वो कह रहा है कि सारा चीज जो जो कॉशन सजेस्ट की गई है वो सब आपको करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा नाम आजकल चल रहा है, क्या UIDAI, तो इसमें क्या है, जो नेम एड्रेस आधार नंबर में भी एक्सेप्टेड ऑफिस OVD, क्या नाम आ गया यहाँ पे OVD, जिन्होंने अभी तक आज तक अकाउंट कभी नहीं खोला होगा बैंक में उन्हें OVD नाम शायद नहीं पता होगा। सिमिलरली इंफॉर्मेशन कंटेनिंग द डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड फोटोग्राफिक मेड अवेलेबल UIDAI एज ए रिजल्ट EKYC प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे दो बातें आई, एक तो आया डेमोग्राफिक डिटेल और एक आया फोटोग्राफ, दो चीजें, ठीक है। डेमोग्राफिक में नाम पता वगैरह जो एड्रेस ये जो डेटा है वो हो गया, फोटोग्राफ में वो हो गया।
ई के वाई सी प्रोसेस में उसको ले सकते हैं, विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंस मे बी ट्रीटेड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट अंडर, तो पीएमए रूल में भी इसको ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट वो कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी शुड नॉट बी टू रिस्ट्रिक्टिव एंड मस्ट नॉट रिजल्ट द डिनाइल ऑफ द बैंकिंग सर्विस जनरल पब्लिक। तो कहता भैया सब कुछ जांच करो, सब कुछ करो, लेकिन जनरल पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली स्पेशली टू दोज हु आर फाइनेंशियल सोशली डिसएडवांटेज, गरीब लोग होते हैं, विद ए व्यू टू सिंप्लीफाई द रिक्वायरमेंट सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस आरबीआई आस्क्ड द बैंक टू फॉलो द प्रोसीजर। अब देखो जब भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या बोला, हेंस फोर्थ कस्टमर में सबमिट ओनली वन ऑफिशियली वन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एड्रेस आइदर करंट और परमानेंट। पहले क्या होता था कि भैया परमानेंट भी लाओ और करंट भी लाओ, ठीक है, और वाइल अंडरगोइंग पीरियडिक अपडेशन, अगर मान लिया आप 2 साल में दोबारा मांग रहे हैं तो आप जो भी आप एड्रेस दे रहा है उसे ले लो। इन केस ऑफ द एड्रेस मेंशन इन प्रूफ ऑफ एड्रेस अंडरगोज ए चेंज फ्रेश प्रूफ ऑफ एड्रेस मे बी सबमिटेड टू द ब्रांच विद इन ए पीरियड ऑफ, अगर मान लिया किसी का कोई एड्रेस चेंज हो गया तो वो 6 महीने के अंदर कहीं मान लिया ट्रांसफर होकर चला गया, तो जहां चला गया तो उसको 6 महीने बाद के अंदर अपना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 महीने के अंदर उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस फर्निश्ड बाई द कस्टमर इज नॉट द लोकल एड्रेस और एड्रेस वेयर द कस्टमर इज करंटली रिजाइडिंग द बैंक में टेक अ डिक्लेरेशन और अ लोकल एड्रेस ऑन विच ऑल कस्टमर विल बी मेड। अच्छा कभी कभी क्या होता है उसने कोई एड्रेस दिया हुआ लेकिन वो चिट्ठी किसी और एड्रेस से मंगा रहा है, तो उससे सिंपल डिक्लेरेशन ले लो कि भाई अब से जो मेरी करस्पॉन्डेंस इस एड्रेस में कर रहा है तो कर लेंगे। नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर अ सच एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस, दिस एड्रेस मे बी वेरीफाइड बाई द बैंक थ्रू पॉजिटिव कंफर्मेशन सच एज एक्नोलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ। अब देखो क्या कह रहा है कि उसका एड्रेस कैसे वेरीफाई करेंगे, बहुत आसान तरीका है, क्या करेंगे सिंपल, आप उसकी जो चेक बुक भेजेंगे, एटीएम कार्ड भेजेंगे, कोई लेटर भेजेंगे, तो अगर उसको रिसीव हो जाता तो ये माना जाएगा कि भैया इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द एड्रेस ड्यू टू रीलोकेशन और एरिया रीजन कस्टमर में इंटीमेट ए न्यू एड्रेस फॉर कस्टमर बैंक विद इन द 2 वीक्स सच ए चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इन द इवेंट ऑफ चेंज इन एड्रेस ड्यू टू रीलोकेशन एनी अदर रीजन, चलो जैसा भी काम कर रहा देखते हैं इसे, तो यहां हम कह रहे थे कि अगर कोई रीलोकेशन होता है किसी अदर रीजन से तो कस्टमर को इंटीमेट करना है न्यू एड्रेस कितने विद इन 2 वीक ऑफ सच चेंज। देखो यहां 6 महीने की बात थी तो उसे प्रूफ देना है, 6 महीने में तो उसे प्रूफ देना है, लेकिन रीलोकेट हो रहा है तो 2 हफ्ते के अंदर उसे क्या करना है वो एड्रेस बताना है बैंक को कि अब मेरा एड्रेस ये हो गया है, ठीक है। एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेर, अब उसमें जो लिस्ट है वो क्या क्या चीज है, इंडिविजुअल की बात आती है, लीगल नेम एंड एनी अदर नेम यूज्ड एनीवन द फॉलोइंग, क्या है कि वो कौन सा एक कानूनी नाम यूज करेगा अपना, कहाँ से पता लगेगा, पासपोर्ट से, पेन से, पेन कार्ड से, वोटर आईडी से, रियल से, मनरेगा का जो जॉब कार्ड है वहां से, ठीक है। अब मनरेगा में ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट, चलो चलाते हैं फिर आगे हैं। तो करेक्ट परमानेंट एड्रेस की बात करी, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट, लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, राशन कार्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, आप लोगों को पता है। कंपनीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज के लिए क्या लेना है, जब आपके सामने कंपनी अकाउंट खोलने आ जाती तो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड MOA AOA। अब इसमें देखो मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, MAO और AOA, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MOA और AOA ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है अलग से जो टॉपिक होगा उसमें होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जिस दिन उसने अपने आप को कंपनी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका मेलिंग एड्रेस और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन जिसमें उसने बोला है कि भैया अब मेरा अकाउंट खुलेगा ऐसे ऐसे बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, जहां पर भी होगा, सॉरी पोस्ट ऑफिस में नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु हैव अथॉरिटी टू ऑपरेट, और उसमें वो लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन,
कोई पावर ऑफ अटॉर्नी तो ग्रांट नहीं गई इसके मैनेजर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, और पेन अलॉटमेंट लेटर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीजें जो हैं किसी कंपनी के अकाउंट में होती हैं। अब देखो, एक क्लास में मैंने बोला था पार्टनरशिप फर्म का जब अकाउंट खोलते हैं तो आप उसे इतने सारे कागज मांगते हैं कि वो अकाउंट खोलने की जगह ऐसे बैंक में चले जाता है जहां का आदमी खुद आके खोल के जाता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, लेकिन आगे लिख दिया इफ रजिस्टर्ड। तो पार्टनरशिप फर्म अगर नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी आप उसे उससे अकाउंट खोलेंगे, उसका एड्रेस, पार्टनरशिप डीड, सारे पार्टनर का नेम, देयर एड्रेस, पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू द पार्टनर, एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑन द बिहाफ। कभी कभी क्या होता है, वो किसी अपने एम्प्लॉय को ऑथराइज कर देती है ना कि भाई ये आएगा, ये साइन करेगा, ये होगा, ठीक है। एनी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई द पार्टनर, पार्टनर के लिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, द पर्सन होल्डिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी एंड देयर एड्रेस। तो पार्टनर या वो बंदा जो पावर ऑफ अटॉर्नी रखता है तो उनके जो है वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी ऑब्टेन करने। प्रोपराइटरशिप में तो बहुत ही आसान हो गया, प्रोपराइटरशिप का तो खाता खोलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चलिए, अगर हम इस तरह से नेटवर्किंग के इश्यू में क्लास करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज की क्लास में आप लोगों से सॉरी बोला, मैं इसको यहीं क्लब कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केवाईसी का, आपके सेकंड पेपर का डी मॉड्यूल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और इस तरह से बीच बीच में कनेक्शन कटेगा तो जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस क्लास को हम सुबह 7 बजे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग 7 बजे आ जाना, आप लोग 7 बजे कल क्लास में मिलिए, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है और अभी कोई आईपीएल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई त्योहार मना रहा है, ठीक है। तो आप लोग सब आए क्लास के लिए, आपने एंजॉय किया, क्लास के लिए साथ में रहे। सेवन एम कल 7 बजे नेक्स्ट पार्ट होगा, आप प्लीज आइएगा जरूर, कल 7 बजे इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। अभी नेटवर्क हो रहा, आप लोग कुछ और पढ़ लीजिए, कोई पुराना वीडियो देख लीजिए, इससे वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आधा घंटा क्लास और लेनी थी लेकिन नहीं हो पाई हमारी क्लास। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।